आज अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच AIPSF इकाई आजमगढ़ के नेतृत्व में विभिन्न कॉलेजों के प्रतिनिधि छात्र साथियों के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को छात्रवृत्ति से संबंधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा गया। सभी जायज व जरूरी मांगों को अविलंब पूरा करने की पुरजोर आवाज उठाई गई। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित लाखों पात्र छात्रों के बैंक खाते में पूरी धनराशि भेजने के संबंध में आज छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित BEd, नर्सिंग, ITI, पॉलिटेक्निक, UG, PG सहित विभिन्न कोर्सों के लाखों छात्रों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। पिछले साल आपने समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण सहित सभी संस्थानों को प्रदेश के सभी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग व सरकार की घोर लापरवाही की वजह से BEd सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत लाखों छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि उन सभी छात्रों का संबंधित कार्यालय जिला स्तर से सत्यापित है। तमाम आदेशों के बाद भी छात्रवृत्ति अभी तक नहीं भेजी गई, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से कमजोर इन गरीब छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश न ले पाने अथवा पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की नौबत आ पड़ी है। छात्रों की इस भयंकर समस्या पर शासन प्रशासन बिल्कुल असंवेदनशील रवैया अपनाए हुए हैं। लाखों छात्रों ने ट्विटर पर स्कॉलरशिप की मांग पर अभियान चलाया, लेकिन सरकार का अभी तक कोई सार्थक जवाब नहीं आया है। जब छात्र अपना छात्रवृत्ति स्टेटस चेक कर रहे हैं तो किसी में लिखा है कि फंड की कमी की वजह से आपको पैसा नहीं मिला, किसी में लिखा है आपने कुछ गलत भर दिया था, या फिर किसी में लिखा है कि आपने फॉर्म भरते समय अपना रिजल्ट और उसके प्राप्तांक सही से नहीं भरे थे। इन सभी समस्याओं का निराकरण अविलंब करना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। हमारी निम्न जायज मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हमारे बैंक खाते में अविलंब प्रेषित किए जाए, ताकि हमारी आगे की पढ़ाई जारी रह सके और हमें किसी भी प्रकार के आंदोलन के लिए मजबूर न किया जाए। सभी वर्ग व समुदाय के सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से एक समान स्कॉलरशिप व शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाए। जिन छात्रों की स्कॉलरशिप का डाटा सब कुछ सही सही भरा गया है, उनकी छात्रवृत्ति जल्द से जल्द भेजी जाए, बाकी छात्रों को सुधार का एक मौका देकर उन्हें भी स्कॉलरशिप दिया जाए। बढ़ती छात्र आबादी अनुसार पर्याप्त स्कॉलरशिप व शिक्षा बजट को अवश्य बढ़ाया जाए। सभी छात्रों को सभी कोर्सों में निशुल्क प्रवेश व मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए, ताकि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का फॉर्म भरने से लेकर प्राप्त करने तक छात्रों अभिभावकों के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक उत्पीड़न से छुटकारा मिल सके। शिक्षा का निजीकरण नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण करके ही सबको शिक्षित कर देश को विकसित करने का लक्ष्य पूरा होगा, अतः शिक्षा का निजीकरण बंद कर राष्ट्रीयकरण किया जाए। ज्ञापन देने में BEd छात्र संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि छात्र प्रशांत, राहुल विद्यार्थी, मुकेश, संदीप, अभिषेक, श्रेय, रामाशीष, विश्वजीत, कैलाश व अन्य छात्रगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। मेरा नाम राहुल विद्यार्थी है। हम अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच और तमाम कॉलेजों से छात्र आए हैं, यहाँ प्रतिनिधि आए हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि सरकार ने बार बार ये डंका पीटा कि हम सारे छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। तमाम अपने प्रशासनिक अधिकारियों को उसने आगाह भी किया था कि देंगे, लेकिन अभी तक बहुत सारे छात्रों के, लाखों छात्र प्रदेश के हैं, कि स्कॉलरशिप नहीं आई है। लगातार शिकायतें छात्रों की आ रही थी, इसलिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि सभी छात्रों को, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, सबको एक समान छात्रवृत्ति अनिवार्य रूप से दिया जाए और आधी नहीं पूरी दिया जाए, और जो स्कॉलरशिप का बजट है लगातार जो कटआउट किया जा रहा है उसको बढ़ाया जाए, और हमारी जो विशेष जो मांग है सरकार से यही है कि हर साल जो लाखों फॉर्म भरवाती है सरकार, आवेदन से लेकर देने तक की लाखों मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है छात्रों को। हमारी मांग ये है कि सरकार सारे कोर्सों में सभी छात्रों का निःशुल्क एडमिशन ले, और निःशुल्क एडमिशन लेने के बाद ये छात्रवृत्ति का पंगा ही खत्म करे, और वो जब निःशुल्क एडमिशन ले लेगी तो ये फॉर्म भरवाने से लेकर देने लेने तक का जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और जो हम सरकार से जो बार बार कहती है कि हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं, तो जो शिक्षा का निजीकरण कर रही है, ऐसे तो देश का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि शिक्षा का निजीकरण बंद करके शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, तभी जाकर देश उन्नत करेगा, तभी जाकर देश विकसित होगा, तभी जाकर देश